हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका शिक्षा प्लानेट में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि जो हमारी क्लासेज हैं यूट्यूब पर और एप्लीकेशन पर किस किस टाइम बैंक पर चल रही हैं, क्योंकि आपके मैसेज आ रहे थे कि सर हमें क्लासेज के बारे में आइडिया नहीं लग पाता है कि क्लासेज का टाइमिंग क्या है। तो आज मैं कंप्लीट बताने वाला हूँ कि हमारी जो एप्लीकेशन पर क्लासेज हैं, यानी कि बीपीएससी का जो TRE 4.2 का बैच आया है, EMRS का बैच आया है, KVS का है, उसमें क्लासेज किस प्रकार से चल रही है। और फाइनली मैं आपको बता दूं कि काफी आपके मैसेज आ रहे थे कि सर बीपीएससी TRE 4 की क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी। तो आज से आपकी क्लासेज स्टार्ट होने वाली हैं। तो सभी साथी जिन्होंने एप्लीकेशन पर कोर्स ले रखा है, सभी आज से अपनी क्लासेस को कंटिन्यू कर दीजिएगा। मैं बात कर रहा हूँ स्पेशली संगीत की, क्योंकि अदर सब्जेक्ट की क्लासेस हमारी पहले से चल रही थी, तो आज से आपकी संगीत की क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारी कौन कौन सी क्लास किस प्रकार से चलेंगी। उससे पहले जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको संगीत से संबंधित ऑल इंडिया कहीं पर भी कोई भी भर्ती निकलती है, सबसे पहले अपडेट हमारे द्वारा आपको दिया जाता है। तो संगीत के जितने भी साथी हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए ऑल इंडिया कोई भी भर्ती निकलती है उसकी अपडेट लाते हैं, आपसे कोई भर्ती मिस नहीं होगी, क्योंकि आप कॉल करके पूछते हैं सर ये भर्ती आई थी हमें इसके बारे में पता ही नहीं लगा। तो आप जुड़े रहेंगे तो आपको अपडेट मिलता रहेगा। चलिए देखिए, जो आज मैं आपको टाइम टेबल बताने वाला हूँ, जो टाइम टेबल मैं लेकर के आया हूँ, ये आपका जून 2024 का रहने वाला है। कब का आपका? जून 2024 का। देखिए जून 2024 का इसलिए है कि आपका जो EMRS का है, इसमें हम अभी के लिए हिंदी, संगीत और इंग्लिश की क्लासेस चला रहे हैं, लेकिन आपका सब्जेक्ट इसमें बहुत है, जैसे कि आपका ICT हुआ, रीजनिंग हुआ, GK हुआ, तो इसकी क्लासेस भी आपकी धीरे धीरे हम आगे वन बाई वन करके सभी को स्टार्ट करेंगे, तो अपडेट आपका टाइम टेबल हम कर देंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे आपका सोमवार क्लासेज आपकी अल्टरनेट होंगी एप्लीकेशन पर, एक दिन छोड़ के एक दिन क्लास चलेगी, एक दिन आपका EMRS का रहेगा तो एक दिन बीपीएससी का रहेगा। इसका कारण है, देखिए जो साथी हमारे बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो EMRS की तैयारी कर रहे हैं, तो पर डे हम चार चार पांच पांच क्लास लेंगे तो फिर ना तो वो EMRS के अच्छे से तैयारी कर पाएंगे ना ही बीपीएससी कर पाएंगे। तो हमने क्या प्लान किया है आपके लिए, एक दिन हम संगीत की क्लास आपकी EMRS में लेंगे, एक दिन आपका बीपीएससी मिलेंगे, तो दोनों को ही आप अच्छे से टारगेट कर सकते हैं। और अभी आपका एग्जाम है वो भी थोड़ा सा लेट है, तो अभी हम इसी प्रकार से चलने वाले हैं। ठीक है, देखिए सोमवार को हमारी क्लासेस होने वाली है संगीत की बीपीएससी वाले बैच में, यानी कि आपकी जो क्लासेस का टाइमिंग है 8 बजे रहेगा एप्लीकेशन पर, चाहे वो EMRS का हो या फिर बीपीएससी का हो। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से आपका यहाँ पर चलेगा, आज से आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है, तो आपका 8 बजे रहेगा संगीत, अगर EMRS में बात करेंगे तो आपका 8 बजे रहेगा हिंदी। ठीक है, अब इसके बाद देखिए मंगलवार की अगर अपन बात करेंगे तो मंगलवार से आपकी क्लास स्टार्ट होती है कहाँ पर? EMRS, EMRS कहें या फिर आप KVS कहें या आप NVS कहें, क्योंकि अभी NVS का आपका लेटेस्ट में नोटिफिकेशन आने वाला है, आपको अपडेट पहले ही मिल गया था कि 15 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट होंगे। उम्मीद है कि तय समय पर फॉर्म स्टार्ट होंगे, तो सभी साथी तैयारी में लगे रहिए। अब देखिए आपका मंगलवार, इसके बाद आपका गुरुवार और शनिवार, ये आपकी 3 दिन चलेंगे EMRS में क्लास। अब देखिए आपका सोमवार, बुधवार और आपका शुक्रवार, ये चलेंगे आपकी 3 दिन बीपीएससी में क्लास, संगीत की मैं बात कर रहा हूँ। और इसी प्रकार से आपका एक दिन छोड़ के आपका हिंदी की चलेगा और इंग्लिश की क्लास आपकी हर संडे को आपकी रहेगी। टाइमिंग सबका 8 बजे है, तो 8 बजे आपको जुड़ना है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा एप्लीकेशन का क्लासेस का टाइम टेबल है। इसमें हम आगे जैसे जैसे सब्जेक्ट ऐड होते जाएंगे हम आपको टाइम टेबल अपडेट करते रहेंगे समय समय। ठीक है, चलिए अब जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपका मैसेज आता है कि सर यूट्यूब पर क्लासेस का टाइम टेबल फिक्स करके बता दीजिए कि यूट्यूब पर किस किस समय पर हमारी क्लासेस चलती हैं। तो देखिए यूट्यूब पर जो क्लासेज आपकी रहने वाली है वह रहने वाली है आपकी 2 समय पर, यानी कि एक तो पर डे हिंदी चलता है, जो कि आपको पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हिंदी पढ़ना इसलिए जरूरी है कि आपका बीपीएससी में भी आपका हिंदी 22 नंबर का आता है और EMRS NVS KVS में भी आपका हिंदी रहता है 10 नंबर का, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का है, आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। बीपीएससी में अगर आप इंग्लिश ना पढ़ पाए फिर भी आप हिंदी से क्वालिफाई कर जाएंगे, आपको सिर्फ 9 नंबर लाना रहता है। ठीक है, अगर हम EMRS की बात करते हैं तो इसमें आपका 10 में से आपको 4 लाना है, कंपल्सरी है, हिंदी में भी 4, इंग्लिश में भी 4 और आपका रीजनल लैंग्वेज रहता है उसमें भी 4। निगेटिव मार्किंग रहती है, बहुत टफ रहता है, तो हिंदी की क्लास आप दोनों ही के लिए अच्छा कीजिएगा, अच्छे से कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे हम बात करें आपका म्यूजिक का।
तो अब आगे हम क्या करने वाले हैं, आपका संगीत की क्लासेज यूट्यूब पर डे 4 बजे रहेगी, यानी कि 5 बजे की क्लास को हमने शिफ्ट कर दिया है 4 बजे, क्योंकि आपके लिए जनरल के लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं, टीचर लाने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छा टीचर जैसे ही हमें मिलता है हम आपके लिए टीचर लेकर के आएंगे, शानदार आपका जनरल की तैयारी करवाएंगे ऑल भर्ती के लिए, तो ये हमारी कोशिश है, इसलिए इस टाइमिंग को हमने चेंज किया है। अब आपको आगे से 4 से 5 आपकी क्लास रहेगी, आगे भी आपकी 5:30 जा सकती है, तो सभी साथी 3 से 5 बजे तक जुड़िएगा, आपको कहीं नहीं जाना है, हिंदी और आपको संगीत दोनों ही चीज पढ़ते हुए चलना है, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा यहाँ पर रहने वाला है टाइम टेबल, पर डे आपका 3 से 4 हिंदी और संगीत रहेगा, संडे का आपका छुट्टी रहेगा, और देखिए जो टाइमिंग हमने बदला है ना उसमें हम आपके लिए मैथ, रीजनिंग, जीके, ये सारी की सारी सब्जेक्ट लेकर के आएंगे आपका ऑल भर्ती के लिए। तो इस प्रकार से हमारा टाइम टेबल चलने वाला है। जिन साथियों ने अभी भी बीपीएससी का बैच ज्वाइन नहीं किया है तो बीपीएससी का बैच ज्वाइन कर लीजिएगा, आपके जो क्लासेज है वो भी स्टार्ट हो गई हैं, तो फाइनली अब आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, हम भी आपको कंप्लीट तैयारी करवाने वाले हैं। देखिए संगीत के लिए आपका TRE 4 का जो एग्जाम है जल्दी होने वाला है, तो सभी साथी इसको टारगेट कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, समय आपको कम मिलेगा, कॉम्पिटिशन अधिक मिलेगा, तो हम आपके लिए कंप्लीट आपका म्यूजिक करवाएंगे, हिंदी और इंग्लिश भी करवाएंगे, ठीक है। जनरल पेपर की पूरी हमारी प्लानिंग चल रही है, जैसे ही टीचर मिलेंगे हम आपको सारे के सारे सब्जेक्ट करवा देंगे, बट अभी के लिए मैं क्या कहने वाला हूँ आपसे, PYQ स्ट्रेटजी डिस्कशन हम समय समय पर आपसे करते रहेंगे, ठीक है। आपको फुल सिलेबस मिलेगा, नोट्स मिलेगा, चैप्टर वाइज टेस्ट, जो कि आपको कहीं पर भी देखने के लिए नहीं मिलेगा, जो चीज हम लेकर के आ रहे हैं बिल्कुल बहुत ही अच्छे शानदार तरीके से व्यवस्थित क्रम में लेकर के चल रहे हैं। टेस्ट सीरीज हम आपको लेकर के आएंगे, जिस प्रकार से आपका बीपीएससी का रहेगा सेम वही पैटर्न आपका फॉलो रहेगा, सेम सब्जेक्ट, सेम आपका जितना भी सब्जेक्ट रहेगा आपका टेस्ट सीरीज भी हम आपको लेकर के आएंगे। अभी तक आपके बीपीएससी जितने भी पेपर हुए उनका हम सॉल्यूशन करवाएंगे, उनके टेस्ट लेंगे, जिससे आपको आईडिया लगेगा कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन बने थे और उनको हम करने से कितना हमारा स्कोर बन रहा है, और सबसे महत्वपूर्ण जो कि आपको शायद ही कहीं मिले, ऑल इंडिया सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर जितनी भी आपकी भर्तियां हुई हैं उन सभी के पेपर हम आपको देने वाले हैं, लेटेस्ट में क्या क्वेश्चन का पैटर्न है, कैसा क्वेश्चन का लेवल है, वो आपको आइडिया लगेगा, तो ये भी हम आपके लिए देने वाले हैं। सभी साथी बीपीएससी TRE 4.2 को बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, इसकी फीस रखी गई है मात्र 1500 रुपये, तो सभी साथी इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आपके मैसेज भी आ रहे थे कि सर हम आपका जो पहले आपने बोला था कि 1200 रुपये में आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं 300 रुपये के डिस्काउंट के साथ, तो अभी ये डिस्काउंट हमें नहीं मिल पा रहा है, तो उनके लिए मैं बता दूं फिर से आपके लिए यह डिस्काउंट के साथ ओपन कर दिया है, तो अभी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, बाद में फिर मत बोलना कि सर अगेन हमें स्टार्ट करना है, तो अब आपके लिए फाइनली लास्ट आपका रहने वाला है, तो जो साथी ज्वाइन कर सकते हैं अभी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए इसके साथ साथ मैं आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, अगर आप EMRS, KBS, NVS और BPSC, UPTGT, PGT की तैयारी अगर कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे बेहतरीन हम चीज लेकर के आए हैं, क्या ब्रह्मास्त्र बैच, सबसे शानदार बैच लेकर के आए हैं ब्रह्मास्त्र। इसमें हम क्या करेंगे, देखिए जो आपका EMRS का बैच रहेगा, जो EMRS का बैच रहेगा, NVS का बैच रहेगा और आपका KBS का, इसके साथ साथ आपका BPSC या BPSC TRE 4.2 और इसके साथ साथ आपका UPTGT PGT UPTGT LT ग्रेड का और इसके साथ साथ आपका STAT आपका जो अगस्त में आने वाला है। अगर आप ब्रह्मास्त्र बैच लेते हैं तो इन सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए आपको अलग अलग से पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, सारे के सारे कोर्सेज आपको इसी ब्रह्मास्त्र बैच में मिल जाएंगे, ये आप कह सकते हैं ऑल इन वन, यानी कि सभी के लिए आपके लिए हमने एक कोर्स बनाया है, इसमें आपके लिए हम स्पेशली, देखिए ऐसा नहीं है कि सभी भर्ती परीक्षाओं को टारगेट करते हुए सिर्फ एक ही क्लास चलती रहे, क्लास एक नहीं रहेगी, हर एक भर्ती के लिए अलग से स्पेशल बैच मिलेगा, उस बैच की क्लासेज आपको मिलेंगी, यानी कि आपको देखिए EMRS आपका रहने वाला है 1500 रुपये का, तो आपको यह अलग से लेना पड़ेगा, अगर आप BPSC की तैयारी करेंगे तो फिर से आपको 1500 रुपये देना पड़ेगा, यूपी के लिए आपको फिर से 1500 देना पड़ेगा, एस्टेट के लिए आपको 721 रुपये देना पड़ेगा। तो देखिए आप अगर एक एक से लेंगे तो आप यहाँ पर देखिएगा कम से कम आपका 5000 के आसपास ही हो जाता है, पूरा कॉस्ट मिलाकर के 5000 का हो जाता है, तो हमने सोचा है जो हमारे साथी हमसे जुड़े हुए हैं
उनके लिए इतना कुछ किया जाए कि उनको परेशानी भी ना हो और वो सभी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी अच्छे से हमारे साथ जुड़ करके कर सकते हैं। तो हम आपके लिए ब्रह्मास्त्र बैच लेकर के आए हैं, जो जो हमारे पर्टिकुलर बैच चलेंगे वो आपको इसमें मिल जाएंगे। बस आपको एक बार वन टाइम पेमेंट करना है 2500 रुपये, यानी कि हमने इन पूरी बैचों की कॉस्ट लगभग आप देख सकते हैं आधा कर दिया, यानी कि 50% कर दिया। आप सिर्फ 2500 रुपये देना है, आपको अलग अलग कोई नहीं लेना है। अगर आप ब्रह्मास्त्र बैच की तैयारी मतलब हमारे साथ ब्रह्मास्त्र बैच में ज्वाइन करके तैयारी आप हर एक भर्ती की कर सकते, ठीक है। तो इसमें हम आपके लिए कंप्लीट सब कुछ करवाएंगे, कुछ भी चीज़ आपकी नहीं छूटेगी। चलिए, तो इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस प्रकार से हमारा पूरा का पूरा प्रोसेस रहने वाला है। जो साथी इंटरेस्टेड है ब्रह्मास्त्र बैच में, ब्रह्मास्त्र बैच ज्वाइन कीजिएगा। और अगर आप ये हमारा अलग से लेना चाहते हैं, बीपीएससी अलग से लेना चाहते हैं, तो वो भी आप ले सकते हैं, ठीक है। जल्दी आपकी यूपी टीजीटी की भर्ती आने वाली है, तो उसके लिए भी बैच आएगा। तो जो साथी अलग स्पेशली तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बैच आने वाला है। तो चलिए, आज के सेशन में इतना ही रखेंगे। कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा कमेंट करके। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।